بسم الله روح البقا، بسم الله شیر لقا، بسم الله شمس الضحا، بسم الله عین الیقین، بسم الله روح البقا، بسم الله شیر لقا، بسم الله روح البقا، بسم الله شیر لقا، بسم الله شمس الضحا، بسم الله عین الیقین، بسم الله روح البقا، بسم الله شیر لقا، بسم الله شمس الضحا، بسم الله جب زہر تک حسین باتیں کو رو چکے، جب زہر تک حسین باتیں کو رو چکے، ایک دو پہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو چکے، ایک دو پہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو چکے، قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو رو چکے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو رو چکے، سیدانیوں نے رو کے کہا شور حسین سے، لو اب زمانہ ہوتا ہے آلِ حسین سے، جب زور تک حسین عباس جب کی جانب باغے جنا چلے، عباس جب کی جانب باغے جنا چلے، لے کر ہزار شان سے شیکان چلے، لے کر ہزار شان سے شیکان چلے، زوجہ پکاری ہے میرے والے کہاں چلے، بولے جہاں سے اب نہ پھریں گے وہاں چلے، بولے جہاں سے اب نہ پھریں گے وہاں چلے، اب آخری وداع کی باری نہ آئے گی، آئی ہے سب کی لات ہمارے عباس جب کی جانبے، بہت ہے جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار
के बाजू रेती पे गिरे शाह के गम खार के बाद थर्राने लगे सैयद अबरार के बाद थर्राने लगे सैयद अबरार के बाद रंग उड़ गया तस्वीरे अलम हो गए शब्द हाथों से जिगर ताके खम हो गए शाबिर जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाद अकबर से कहा कर दो गरीबा को दोपहर हम सो में है कत्ल हुआ शेर हमारा आशिक मेरे बच्चों का जमाने से सीधा फरमा के ये हजरत ने अमामे को उतार फरमा के ये हजरत ने अमामे को उतार आफत में फंसी पानी की मोहताज सके अरे बस हो गए दुनिया में यतीमा सके ना जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाद फरमा के ये गिरते हुए दौड़े शहवा संभले कभी खुद और कभी अकबर ने संभाल था सीने अकदर से कले जाता होगा चिल्लाते थे है मेरे आगोश का पाल चिल्लाते है मेरे आगोश का पाल आगे कभी चलते कभी फिर पढ़ते थे शाह घबरा के हर क्लास पे गिर पड़ते थे शाह जब कट गए दरिया पे अलमदार के बा है शहीदी करके जो रोए अली अकबर सदमे से तड़पने लगे अब्बास दिलावर घबरा के भतीजे से कहा मेरे दिल दिखला दो किधर है मेरे आका मेरे सर दिखला दो किधर है मेरे आका मेरे सर अकबर ने कहा गम सहे वाला के बड़े हैं वो आपके कदमों की तरफ दस में पड़े हैं जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाद सरका के कदम जल्दी ये अब्बास पुकार फेरो मेरे लाशे को मैं कुर्बान तुम छाती में दम मौत के आसार है सार किबला के तरफ चाहिए मुँह है मेरे प्यार किबला के तरफ चाहिए मुँह है मेरे प्यार बेदस्त है इस वक्त ये ऐसा करो हम पर रख दो मेरा सर किबला आलम के कदम पर जब कट गए سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان کو جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پہ جو زحمت کشے سلسل
मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं हम अपनी शाहजादी पर के जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने जिसे बेबसी ये दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं, बुझे ना प्यास तो अशकों के जाम हाजिर हैं। ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी, कहाँ पे बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी। ज़मीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीबी, वो सीना जिस पे के सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाब मादरे बेशीर को भी सब का सलाम, अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों का पयाम। अभी कलेज में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढूं, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढूं। ना इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है गोद भी उजड़ी। सलाम मुहसिने इस्लाम खस्ता तन लाशों, सलाम तुम पे शहीदों के बेकफन लाशों। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम है, ना बच सके तो ये अपना सलाम आखिर है। رحم الله من قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وقوله الحق أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس هذا حسين فعرفوه وفضلوه وانصروا هذا حسين جده في الجنة وجدته في الجنة وعماته في الجنة وخاله في الجنة وأمه في الجنة وأبوه في الجنة ومحبه في الجنة ومحب محبيه في الجنة صلوات عليه محمد وعلى محمد متوجہ رہیں مختصر مجمع اگر متوجہ رہے تو وہ کثیر تعداد میں وہ مجمع جو بے خبر ہو اس سے بہتر آپ متوجہ رہیں زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا کوشش رہے گی کہ وقت کے اندر گفتگو کیا جائے پچھلی سال یہ امام بارگاہ بالکل بھرا ہوا تھا مومنین یہاں پر تشریف فرما تھے لیکن امسال کنی وجوہات کی وجہ سے یا یہ کہا جائے کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ کثیر تعداد میں پروگرام ہو لہٰذا جو حکم ہے حکومت کی طرف سے اسی مطابق یہاں پر مجلس برپا ہے ایک مرتبہ آپ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد اللہ تمہیداً کوئی گفتگو تمہید کے سلسلے سے نہیں پیش کرنا ہے صرف موضوع پر ہی گفتگو کروں گا اور آپ نے اس احادیث مبارکہ پر مجلسیں سنی ہوں گی ارشاد ہو رہا ہے یا ایہا الناس ھذا حسین فعرفوہ یہ حسین ہے اسے پہچانو توجہ چاہتا ہوں میں اس موقع پر جب میں یہ حدیث کو تلاوت کرتا ہوں تو اس موقع پر میں کہتا ہوں کہ پھول کو پھول ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے رنگ و بو خود ہی دلیل ہیں پھول ہونے کے بس اسی طریقے سے اسوہ حسین بھی اسوہ مصطفیٰ کی تشریح ہیں اگر قول و فعل نبوت کو پیکر بشری میں منتقل کر دیا جائے تو نام حسین بنتا ہے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو پہچاننا یعنی آج کا موضوع ہے معرفت امام حسین علیہ السلام یہ کم عقل رکھنے والا انسان جس کی عقل جہاں تک کام کرتی ہے
कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को पहचानने के लिए तीन रास्ते हैं जिनके ज़रिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को पहचाना जाए। बहुत तवज्जो। एक वो रास्ता कि अहादीस रसूल के ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को पहचानना, दूसरा आयात कुरानी के ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को पहचानना, और तीसरा ख़ुद सीरत किरदार में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को पहचानना। ये तीन रास्ते ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारफत हो सकती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को पहचानने के लिए तीन रास्ते, एक अहादीस रसूल के ज़रिए, दूसरा आयात कुरानी के ज़रिए जो कुरान अल्लाह का कलाम है उसके ज़रिए से पहचानना, और तीसरा ख़ुद सीरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानना। अहादीस रसूल के ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानना, जिसको मैंने उन्वाने गुफ्तगू करार दिया, रसूल ने क्या फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगों, हाज़ा हुसैनुन फारफूहु, ये हुसैन है इसे पहचानो। सिर्फ पहचानवाया नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानवाया जा रहा, रसूल कह रहे हैं कि ये इसे पहचानो, ये हुसैन है, तो हर आदमी कहेगा कि हाँ ये हुसैन है, आपके नवासे हैं, आपके बेटी के बेटे हैं, अली के बेटे हैं, हम इन्हें पहचानते हैं। रसूल कह रहे हैं कि इन्हें पहचानो नहीं, वफज़लू हो, इसकी फजीलत का इकरार करो। तो जो चाहता हूँ, इसकी फजीलत का इकरार करो, सिर्फ फजीलत का इकरार मत करो, वंसरू हो, अगर वक्त पड़ जाए तो इसकी मदद करो। अगर तुम पहचानना चाहते हो तो मैं इस हुसैन को पहचानवाना भी चाहता हूं। हाजा हुसैनो जद्दहू फिल जन्ना, यह हुसैन वो है जिसका जद जन्नत में है। वजद्दत हो फिल जन्ना, यह हुसैन वो है जिसकी दादी भी जन्नत में है। व अम्मा तो हूँ फिल जन्ना, यह हुसैन वो है जिसकी फूफी भी जन्नती है। व खाल हूँ फिल जन्ना, यह हुसैन वो है जिसका मामू भी जन्नती है। व अबू हो फिल जन्ना, यह हुसैन वो है जिसकी माँ भी जन्नती है। अबू हो फिल जन्ना, यह हुसैन वो है जिसका बाप भी जन्नती है। व उम्महू फिल जन्ना, यह हुसैन वो है जिसकी माँ भी जन्नती है। इतना कह के रसूल खामोश नहीं हुए कि ये हुसैन वो है जिसका दादा भी जन्नती है, ये हुसैन वो है जिसकी दादी भी जन्नती है, ये हुसैन वो है जिसकी फूफी भी जन्नती है, ये हुसैन वो है जिसके मामू भी जन्नती है, ये हुसैन वो है जिसके वालिद भी जो है जन्नती है, ये हुसैन वो है जिसकी माँ भी जन्नती है। इतना कह के रसूल खामोश नहीं हुए बल्कि आगे बढ़ के कहते, वह मुहिब्बहू फिल जन्ना, ये हुसैन वो है जिसका चाहने वाला भी जन्नती है, चाहने वाला ही जन्नती नहीं है, वह मुहिब्बो मुहिब्बी है फिल जन्ना, ये हुसैन वो है जिसके चाहने वाले का चाहने वाला भी जन्नती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये हुसैन वो है, इसे पहचानो, ये हुसैन वो है कि जिसका दादा भी जन्नती, जिसकी दादी भी जन्नती, जिसकी फूफी भी जन्नती, जिसका मामू भी जन्नती, और यह हुसैन जिसका घराना जन्नती नहीं है बल्कि इसके दोस्त भी जन्नती। आगे इरशाद हो रहा, मन अहब्बनी व अहब्बहा वैनी व अबाहुमा व उम्माहुमा काना मई जन्नति फी दरजती, मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे, वहब्बा हावैन, इन दोनों शहजादे हसन हुसैन से मोहब्बत करे, वहबाहमा, जो इसके बाप से मोहब्बत करे, व उम्मा होमा, जो इसकी माँ से मुअद्दत अख्तियार करे, काना मई जन्नती फी दरजती, वो मेरे साथ जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
من احبني واحب هذين واباهما وامهما كان معي جنتي في درجتي, جو مجھ سے محبت کرے واحب هذين یعنی ان دونوں شہزادے حسن و حسین سے محبت کرے, واباهما اس کے باپ سے محبت کرے, واماهما اس کی ماں سے محبت اختیار کرے, کہنا معي جنتی. بہت عجیب مرحلہ, بہت بڑا مرحلہ ہے, اللہ اکبر, کہ رسول کے ساتھ جنت میں ان کے درجے میں ہوگا جو حسین سے محبت کرتا ہوگا. لیکن امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے یہ حدیث سن کر ہم لوگ تو بہت آپے سے باہر ہو جائیں گے. کیا کہنا ہے, حسین کے چاہنے والے تو جنت میں جائیں گے, توجہ چاہتا ہوں, حسین کے چاہنے والے تو جنت میں جائیں گے. دیکھو محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی, محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. ہم صرف زبان سے حسین کو چاہتے ہیں, جب ہم اپنے عمل میں حسین کو لائیں گے تب حسین ہم سے محبت کریں گے, توجہ چاہتا ہوں. ہم صرف زبان سے حسین حسین کہہ لے تو یہ محبت نہیں ہے, بلکہ ہم جب تک اپنے عمل میں حسین کو نہ اتار لیں تب تک یہ دو طرفہ دونوں طرف سے محبت نہیں ہو. جب انسان کسی کو چاہتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کی اطاعت کرے, اس کی پیروی کرے, اس کے ساتھ چلے. اگر ہم حسین کو چاہتے ہیں تو اپنے اندر حسین کو پیدا کرنا ہوگا, حسین کی اطاعت لانا ہوگا, توجہ چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام مسجد سے باہر نکل رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام مسجد سے باہر نکل رہے ہیں, چند گروپ آگے بڑھا, بات آگے تمہیں بیان کرتا چلوں کہ چند گروپ آیا, جیسے کہ ہر زمانے میں گروپ رہا ہے, اور ہم لوگ بھی تو ماشاءاللہ نام لیوا ہی ہیں شیعہ. آگے بڑھا, کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے بیٹے تم پر میرا سلام ہو, رسول کہ بیٹے تم پر میرا سلام ہو. ایک مرتبہ حسین نے نگاہ کو اٹھایا, اٹھا کے کہتے ہیں من انتم, تم لوگ کون ہو, کیا امام نہیں جانتے یہ کون لوگ آئے ہیں, من انتم تم لوگ کون ہو. آنے والے بڑے فخر سے, جیسے ہم کہتے ہیں فخر سے سینہ تان کے, آنے والے کہتے ہیں نحنو شیعتکم, ہم آپ کے شیعہ ہیں, ہم آپ کے دوست ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. امام نے فوراً کہا ما علی لا ارا فیکم سیما الشیا, مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم میں شیعوں کی علامت ہی نہیں پاتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر, باوازے بلند صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر, ما علی لا ارا فیکم سیما الشیا, مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم میں شیعوں کی علامت نہیں پاتا. وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں, تفصیلی گفتگو کروں. تو شیعہ کی علامت ہے, یعنی حسین کو اپنے اندر اتاریے, جہاں بھی موقع ملا رسول کو وہاں پہچنوایا. کبھی کہا الحسن والحسین عینایا, یہ حسن حسین میری دونوں آنکھیں ہیں. کبھی کہا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ, یہ حسن و حسین ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں. کبھی کہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینۂ نجات ہے. کبھی کہتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, توجہ چاہتا ہوں. حسین و منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آپ کہیں گے مولانا حسین و منی تو سمجھ میں آتا ہے, توجہ چاہتا ہوں. آپ یہی نہ کہیں گے کہ مولوی صاحب حسین و منی تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین رسول سے ہے, وانا من الحسین سمجھ میں نہیں آتا, وانا من الحسین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حسین و منی سمجھ میں آتا ہے کہ حسین رسول سے ہیں, وانا من الحسین سمجھ میں نہیں آ. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, سن 60 ہجری تک حسین و منی, اور سن 61 ہجری کے بعد وانا من الحسین. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میں اس کو اور واضح طریقے سے بیان کر دوں, حسین و منی وانا من الحسین. آپ نے
जनाब नूह का सारा वाकया सुना होगा कि जब तूफान नूह आया और हजरत नूह ने अपने 40 असहाब के साथ नजात पाई, तवज्जो चाहता हूं, नजात पाई। तो अब नूह जब कश्ती पर हैं तो नूह क्या कहेंगे? हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन अपने जहन में रखिएगा, कश्ती पर आकर नूह क्या कहेंगे? कश्ती मुझसे है, मैं कश्ती से हूं, अगर मैं ना होता तो कश्ती ना होती, अगर कश्ती ना होती तो मैं ना होता। बस इसी तरीके से हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अगर रसूल ना होते तो हुसैन ना होते, अगर हुसैन ना होते तो रसूल का नाम ही बाकी ना रहता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। बस मैं इसको मुत्तसिल करता हुआ चलूँ कि आयात कुरानी के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को पहचानना। हजरत नूह जब निजात पा गए आयात कुरानी के जरिए, जब हजरत नूह की कश्ती मकाम जूदी पर जाकर ठहरी तो कुरान में खुदा ने फरमाया फअंजयना हो, हमने नूह को नजात दिया। बहुत तवज्जो चाहता हूं, फअंजयना हो हमने नूह को नजात दिया। अब मैं मुंतजिर था कि खुदा अब इसके बाद कहेगा व असहाबे, यानी हमने नूह को नजात दिया और असहाबे नूह को नजात दिया, लेकिन यहां पर कुरान बरअक्स कह रहा है फअंजयना हो व असहाब सफीना, हमने नूह को नजात दिया और असहाबे सफीना को नजात दिया। अब आप बताएं कि सफीना किसी नबी का नाम है? सफीना किसी पैगंबर का नाम है? सफीना किसी वली का नाम है? हर अक्ल सलीम रखने वाला इंसान ये कहता हुआ नजर आएगा सफीना एक कश्ती को कहते हैं, एक नाव को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक कश्ती को कहते हैं और एक नाव को सफीना कहते हैं। ये आयत कुरान में बेमाना रह जाती अगर रसूल की हदीस ना होती, मसल अहल बैत का मसल सफीने नू, मेरे अहल बैत की मिसाल सफीने नू की है, मेरे अहल बैत की मिसाल सफीने नू की है। पता ये चला कि खुदा ने अगर निजात का ऐलान किया कुरान में तो असहाब नबी कह के ऐलान नहीं किया बल्कि असहाब सफीना कह के ऐलान किया। आगे रसूल ने इरशाद फरमाया इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन हिदायत के चिराग हैं और सफीने नजात हैं, अगर नजात चाहिए तो आओ हुसैन के असहाब बन जाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर नजात चाहिए तो हुसैन के असहाब बन जाओ, अगर नजात चाहिए। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफीने नजात हैं। तो इन अहले बैत में एक फर्द का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर नजात का ऐलान हुआ तो असहाब सफीना कह के नजात का ऐलान हुआ। रसूल के पास चंद ग्रुप आए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह आपने बड़ी मशक्क़तें उठाई हैं, बड़ी जहमतें उठाई हैं, बहुत परेशानियां उठाई हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ उजरत दे दूं। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जब रसूल तबलीग पर आए थे, तबलीग करना शुरू किया था तो यही लोग थे, हजरत अबू तालिब के पास आए कहा कि अपने भतीजे को मना कर दीजिए, आज जब इस्लाम फैल गया तो आज आए हैं क्या करने के लिए? रसूल मैं आपकी मेहनतों की उजरत अदा करना चाहता हूँ।
तवज्जो चाहता हूँ। नबी खामोश सर झुकाए बैठे हुए हैं। मेरा नबी क्यों खामोश ना हो? इसलिए कि कुरान में है कि अल्लाह जब तक वही नहीं कर देता तब तक रसूल कलाम भी नहीं करता। जब तक वही रब्बानी ना हो जाए तब तक मेरा रसूल कलाम नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता। इसी असना में जिब्राइल आए, कहा ए रसूल कह दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुरबा। ए रसूल इनसे कह दो कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, कोई उजरत नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे कराबत दारों से मोहब्बत अख्तियार करो। तवज्जो चाहता हूं, कुरान मजीद में जहां भी लफ्ज़े कुल इस्तेमाल हुआ वहां पर कहलवाया गया है, कहा नहीं गया है। जहां पर लफ्ज़े कुल इस्तेमाल, कुल हो अल्लाह अहद, ए रसूल कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह अहद है। कुल हो अल्लाह अहद, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी मुख्तसर ये कर दूं कि जहां पर भी लफ्ज़े कुल इस्तेमाल हुआ वहां कहलवाया गया है, कहा नहीं गया है। यहां पर इस आए मुबारका में भी लफ्ज़ कुल इस्तेमाल हुआ है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुरबा। ऐ रसूल इनसे कह दो कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत अख्तियार करो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुतवज्जे होके सुने, मैं इस मिसाल के जरिए से और आसान कर दूं। मसलन मैं मिंबर पर हूं और मेरी बात पहुंचना है इस इमाम बारगाह के बाहर, अपनी बात को पहुंचाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा अकबर साहब से, अकबर भाई इन सामईने कराम से आप कह दीजिए कि मैं अपनी तकरीर की कोई उजरत नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरी तकरीर पर दाद दें। ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अकबर भाई इन सामईन से आप कह दीजिए मैं अपनी तकरीर की कोई उजरत नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरी तकरीर पर दाद दें, वाह वाह करें, तारीफ करें। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, बताइए ये कौल किसका है? हर अकले सलीम रखने वाला इंसान ये कहता हुआ नजर आएगा ये कौल आपका है, मौली साहब ये कौल आपका है, मौलाना ये कौल आपका है। मैं कहूंगा आपको तो अकबर भाई ने बताया। हर अक्ल रखने वाला इंसान कहेगा चूंकि आप हम तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे थे तो आपने जरिया बनाया अकबर भाई को। बस इसी तरीके से खुदा यहां आ नहीं सकता, बंदा खुदा के यहां जा नहीं सकता। अब खुदा को अपनी बात बंदों तक पहुंचाना है तो उसने जरिया बनाया रसूल को। कुल ला अलैकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुरबा। ऐ रसूल इन लोगों से कह दो कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत अख्तियार करो। तो मुझे इस मिंबर से कहने का हक है कि ये कराबतदार रसूल के कराबतदार नहीं बल्कि खुदा के कराबतदार हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मत आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद। इन कराबतदार में एक फर्द का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया गया। बस मैं अपनी आखिरी मंजिल पर आ रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को पहचानना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को आयात कुरानी के जरिए पहचानना। जब हजरत मूसा नबी अल्लाह, बस मैं धीरे धीरे अपनी मंजिल तक आ रहा हूं। हजरत मूसा नबी अल्लाह, बहुत तवज्जो चाहता हूं,
फिरौन के लश्कर से अपने असहाब को बचाने के लिए मैं नबी को बचने के लिए नहीं कहूँगा, इसलिए कि नबी महफूज होता है, दूसरों को भी महफूज रखता है। अपने असहाब को बचाने के लिए जब चले आगे आगे मूसा, असहाब मूसा, पीछे पीछे फिरौन का लश्कर, सामने दरियाए नील आ गई। सारा वाक़या आपके सामने नहीं पेश करना है, काफ़ी वक्त लग जाएगा वजाहत करने में। सामने दरियाए नील आ गई, जैसे ही मूसा के असहाब ने दरियाए नील को देखा, फौरन आवाज दिया, कुरान कह रहा मूसा इन्ना ला मुद्रकून, मूसा हम तो पकड़ जाएंगे, मूसा हम तो घेरे में आ गए, मूसा हम तो मुहित हो गए, कोई तदबीर हो तो उसे अमल में लाइए, तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह के हुक्म से जनाबे मूसा ने दरियाए नील पर असा मारा, 12 रास्ते बन गए, 12 रास्ते से असहाबे मूसा नजात पा गए। हम शुरू से ही कहते हैं ये 12 रास्ते नजात के जरिए, तो जो चाहता हूं ये 12 रास्ते नजात के जरिए हैं। तो आपने असहाबे मूसा को देखा, जिन्हें अपनी जान की फिक्र है, जान बच जाए नबी रहे न रहे, दीन बचे न बचे, सिर्फ अपनी जान बच जाए। आइए असहाबे मूसा का दूसरा रुख देखते हैं। जब कारून अपने लश्कर के साथ अपने खजाने की कुंजियां 70 ऊंटों पर लाद कर नुमाइश करता हुआ चला, तो यही असहाबे मूसा कहते हुए नजर आए, या लैत लना मिस्ल मा उतिया कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ऐ काश ये माल हमें मिल जाता जो कारून को मिला। लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कितना बड़ा नसीब वाला है। आपने असहाबे मूसा को देखा, इन्हें बड़ा नसीब माले दुनिया नजर आ रहा है। तो आपने असहाबे मूसा को देखा, अपनी जान बच जाए नबी रहे न रहे। आपने असहाबे मूसा का दूसरा रुख देखा कि इन्हें माले दुनिया बड़ा नसीब नजर आ रहा है। आइए असहाबे मूसा को, असहाबे तालूत को भी देखा जाए। कुरान ने कहा फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद, जब तालूत अपने असहाब को, अपने लश्कर को लेकर चले तो सामने दरिया आ गई। इनका लश्कर प्यासा है, इनके असहाब प्यासे हैं, वहां पर भी दरियाए नील था और यहां पर भी दरिया है, यहां लश्कर प्यासा है। जैसे ही असहाब ने पानी को देखा, फौरन पानी पर टूटना चाहा, फौरन नबी ने क्या आवाज दिया, इन्नल्लाहा मुब्तलिकुम बिन्नहर, देखो साथियों ये इम्तिहान का दरिया, इम्तिहानी दरिया है, पानी का दरिया नहीं है। फमन शरेबा मिनहु फलैसा मिन्नी, अगर तुमने पानी पी लिया, फलैसा मिन्नी, मुझसे कोई वास्ता नहीं, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मुझसे कोई लगाव नहीं। वा इल्लम यतअम हो, अगर पानी नहीं पीते तो मुझसे वास्ता है, मुझसे लगाव है। हाँ, आगे कुरान फरमाता, हाँ अगर पानी लेना चाहते हो तो सिर्फ एक चुल्लू पानी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कुरान ने क्या कहा, फशरेबू, सब ने पानी पी लिया। आपने देखा कि तालूत नबी मना कर रहा है, देखो ये इम्तिहानी दरिया है, पानी का दरिया नहीं है, लेकिन सब ने पानी पी लिया। आपने असहाबे तालूत को देखा, आइए अंसार को देखा जाए। जब ईसा मंजिले तबलीग पर निकले तो आवाज दी, मन अंसार इलल्लाह, अल्लाह की राह में मेरा मददगार कौन है, मेरा अंसार कौन है। कुरान कहता है काला हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह, इन हवारियून ने कहा कि हम अल्लाह के अंसार हैं। इन्हें नबी का अंसार छोटा महसूस दे रहा था, ये अल्लाह के अंसार बनने चले थे। खैर, इस पर बहस नहीं करना है। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक, हमारा अकीदा नहीं है, ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया। अब मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ये कैसे अंसार थे कि नबी सूली पर चढ़ाया जा रहा था, ये खड़े तमाशा देख रहे थे। तवज्जो चाहता हूं, ये तमाशा देख रहे थे, नबी सूली पर चढ़ाया जा रहा था,
तो आपने अंसार ईसा को देखा, सारे नबियों के हालात को छोड़ते हुए बस आखिरी नबी के असहाब को देखा जाए। कुरान कहता है कि नबी आवाज देता रहा, पुकारता रहा, पलट आओ, लौट आओ, वापस आओ, लेकिन असहाब व अंसार पहाड़ की चोटी पर भागते हुए नजर आए। तवज्जो चाहता हूं, आपने असहाब मूसा को देखा, इन्हें सिर्फ जान की फिक्र है, नबी रहे न रहे, दीन बचे न बचे। आपने असहाब मूसा का दूसरा रुख देखा कि इन्हें माले दुनिया बड़ा नसीब नजर आ रहा है। आपने असहाब तालूत का जायजा लिया कि नबी कह रहा इन्नल्लाह मुब्तलिकुम बिन नहर, देखो साथियों ये इम्तिहानी दरिया है, पानी का दरिया नहीं है, लेकिन सब ने पानी पी लिया, नबी का कहना नहीं माने। आपने अंसार ईसा को देखा, नबी कह रहा है, नबी जो है सूली पर चढ़ाया जा रहा है, ये अंसार खड़े तमाशा देख रहे हैं। आपने आखिरी नबी के असहाब व अंसार को देखा, नबी आवाज दे रहा है पलट आओ, लौट आओ, वापस आओ, लेकिन कोई मुड़कर नहीं देख रहा है। जब हमने कुरान मजीद में सारे असहाब अंसार को देख लिया, तब जाके इमाम हुसैन अलैहि सलाम का ये जुमला समझ में आया, जैसे असहाब हमें मिले वैसे न मेरे बाबा को मिले, वैसे न मेरे नाना को मिले, वैसे न मेरे भैया को मिले, जैसे असहाब अंसार हमें मिले। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। वो असहाब मूसा थे जिन्हें जान की फिक्र थी, नबी रहे न रहे, दीन बचे न बचे, सिर्फ अपनी जान बच जाए। ये असहाब हुसैन हैं, फौज पर फौजें आ रही हैं, लश्कर पर लश्कर आ रहे हैं, लेकिन हर एक यही सोचता है कि अकेले हम इन लश्करियों पर भारी हैं। वो असहाब मूसा थे जिन्हें माले दुनिया बड़ा नसीब नजर आ रहा था, ये असहाब हुसैन हैं जो कुछ भी है राह खुदा में लुटा रहे हैं। वो असहाब तालूत थे कि नबी कह रहा था देखो ये इम्तिहानी दरिया है, पानी का दरिया नहीं है, सबने पानी पी लिया, ये असहाब हुसैन है, सामने दरियाए फरात बह रही है, सब प्यासे हैं, तशनगी पे तशनगी है, प्यास पे प्यास है, हर एक यही सोचता है अगर प्यासा रहना ही कामयाबी है तो हम इस पर ही गुजर जाए। वो आखिरी नबी के असहाब थे के जो पहाड़ की चोटी पर भागते हुए नजर आए, नबी कह रहा था पलट आओ, लौट आओ, वापस आओ, लेकिन कोई मुड़कर नहीं देख रहा था। ये असहाब हुसैन हैं कि शब आशूर इमाम ने शमा को गुल कर दिया, कहा चले जाओ तो कोई जाने के लिए तैयार। अल्लाह हु अकबर, ये हुसैन की आजमत है कि ऐसे असहाब व अंसार मिले। जब हुसैन के असहाब व अंसार ऐसे हैं तो मेरा आका कैसा रहा। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है कि 15 रजब सन 60 हिजरी या 22 रजब सन 60 हिजरी को मुआविया का इंतकाल हुआ। अब तवज्जो से आप सुने इसको, दो तारीख है, 15 रजब या 22 रजब को मुआविया का इंतकाल हुआ। तख्त पर यजीद बैठे, यजीद ने सबसे पहले जो फरमान जारी किया कि वो हुसैन से बैत ले लिया जाए, अगर हुसैन बैत नहीं करते तो सर तन से जुदा कर दिया। पूरे वाकयात आपके मद्देनजर है, उसे नहीं पेश करना है। इमाम ने वली से कहा यह रात की तारीकी है, दिन के उजाले में देखा जाए। दूसरे दिन सुबह को मरवान मिला इमाम हुसैन से, उसने कहा ए हुसैन आप यजीद की बैत क्यों नहीं कर लेते, आप बैत कर लेंगे तो आपको जितना जर चाहिए आपको मिलेगा, जितना सोना चांदी चाहिए आपको मिलेगा, जितनी हुकूमत जो हुकूमत चाहिए आपको मिलेगी। एक मर्तबा इमाम ने कहा ए मरवान क्या तुमने नहीं सुना है कि मेरे नाना ने कहा इन्नल खिलाफता मुहर्रमतुन आला आले अबी सुफियान वाला तुलका व बनाई तुलका, खिलाफत आले अबी सुफियान के लिए जायज नहीं है, ये आज़ाद करदा गुलाम है। इस हदीस से भी साबित होता है कि जो लोग कहते हैं दो शहजादों की जंग थी, ये दो शहजादों की जंग नहीं थी, ये गुलाम हैं जो बगावत कर गए। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में आए, अपने भाई मोहम्मद हनफिया के नाम एक वसीयत नामा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इन्नमा खरजता लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी,
मैं चाहता हूँ, मैं वतन को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि उम्मत में इस्लाह हो जाए, उम्मत में खलफिशार मचा हुआ है। हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया जा रहा है, हराम मोहम्मदी को हलाल करार दिया जा रहा है, लिहाजा मैं उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ। उरीद अन आमुरा बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर, और मैं चाहता हूँ नीति की हिदायत दूँ और बुराई से रोकूँ। वो सीरो बसीरत जद्द बाबी, और उस सीरत को अपनाऊँ जो सीरत मेरे बाबा की थी, जो सीरत मेरे नाना की थी। इससे साबित होता है, इस कलमात से साबित होता है कि जो सीरत राइज है वन वो नबी की नहीं है, ना ही अली की सीरत है। फमन कब्बलनी बिकबूल हक, हक इस काबिल है कि इसे कबूल किया जाए। अल्लाहु अकबर। इमाम ने उसे बंद किया और मोहम्मद हनफिया के हवाले किया। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है कि 28 रजब सन 7 हिजरी को इमाम ने मदीने को अलविदा। 3 शाबान सन 60 हिजरी को इमाम मक्का पहुंच गए, और 10 रमजान तक अहले कूफा के खतूत आना शुरू हो गए। 15 रमजान तक तकरीबन 2 से 3 हजार खतूत इमाम की खिदमत में पेश किए। इमाम ने अपने भाई मुस्लिम इब्न अकील को अपना वकील, अपना नायब बनाकर कूफा रवाना किया। अल्लाहु अकबर। इमाम ने जब ये देखा कि हाजियों के बेस में तलवारें छुपाए हुए मेरी कत्ल की मंशा से लोग आ रहे हैं, तो इमाम ने हज को उम्रे में तब्दील किया और मक्का को अलविदा कहा। अल्लाहु अकबर। 15 शव्वाल को मुस्लिम ने अकील कूफा पहुंच गए। तकरीबन कई हजार लोगों ने आपके हाथ पर बयात। इमाम सफर में थे कि 9 ज़िलहिज को जनाब मुस्लिम इब्न अकील की शहादत की खबर मिली। अल्लाहु अकबर। लीजिए, 1 मुहर्रम आ गई, इमाम नैनवा में तशरीफ लाए। एक मरतबा जुहैर कहते हैं, मौला आपकी मंशा क्या है? इमाम ने कहा, ए जुहैर, मैं जंग में सबकत नहीं चाहता। ज़ुहैर कहते हैं, मौला नहरे फुरात के करीब एक गांव है जो महफूज है, चारों तरफ से वो गांव घिरा हुआ है, 3 तरफ से, एक तरफ से उसका रास्ता, उससे महफूज जगह कोई और नहीं हो सकती। इमाम ने कहा, हमें हलाकत की तरफ नहीं जाना है। अल्लाहु अकबर। लीजिए, 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी आ गई, इमाम वारिदे करबला हो गए। जब इमाम करबला पहुंचे हैं तो इमाम का जो जुलजना है उसने कदम को आगे नहीं बढ़ा। रवायत बताती है कि इमाम ने दरपे दरपे 7 या 8 घोड़े बदले हैं, लेकिन किसी घोड़े ने कदम को आगे नहीं बढ़ाया। अल्लाहु अकबर। इमाम ने वहां के जमींदार बनी असद को बुलाया। जब बनी असद के कबीले के लोग आए तो इमाम ने पूछा, इसे क्या कहते हैं? किसी ने कहा, इसे गाजरिया कहते हैं। किसी ने कहा, इसे शत्ते फुरात कहते हैं। एक बूढ़े मुजाहिद ने कहा, इसे करबला कहते हैं। अल्लाह अकबर। जब इमाम ने करबला का नाम सुना तो इमाम ने हुक्म दिया कि एक मुट्ठी खाके करबला उठाकर मेरी खिदमत में पेश किया जाए। लिहाजा लोगों ने इमाम की खिदमत में एक मुट्ठी खाके करबला उठाई और इमाम की खिदमत में पेश किया। इमाम ने उस मिट्टी को सूंघा और अपने जेब से एक मुट्ठी खाक को निकाला, उसको भी सूंघा। जैसे ही दोनों खुशबू को महसूस किया, एक मरतबा इमाम कहते, मेरी मंजिल आ गई। ये वो मिट्टी है जो मिट्टी जिब्रील अमीन ने मेरे नाना की खिदमत में पेश किया था, और ये कहा था, ये उस मकाम की मिट्टी है जहां पर आपका नवासा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अजर कमल अल्लाह खैर जजा। अब इमाम ने कहा कि खैमे नस्ब किए जाए। तारीख बताती है कि सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा नस्ब किया गया। इमाम हुसैन की पुश्त पर जनाब ज़ैनब का खैमा नस्ब किया गया, और जनाब ज़ैनब के पुश्त पर तमाम बीवियों के खैमे नस्ब किए गए, और तमाम बीवियों के चारों तरफ जवान बनी हाशिम के खैमे नस्ब किए गए, और थोड़ी दूरी पर असहाब अंसार के खैमे नस्ब किए गए, और खैमों के पीछे एक खंदक खोद दी गई
ताकि दुश्मन पीछे से हमला न करने पाए। अल्लाहु अकबर। लीजिए, तीन मुहर्रम आ गई। तीन मुहर्रम को हुर ने इब्ने ज़ियाद को कूफे के नाम खत भेजा। उसने खत में लिखा कि ए इब्ने ज़ियाद, तेरी मंशा के मुताबिक मैं हुसैन को घेर कर करबला ले आया। इमाम हुसैन ने करबला में पड़ाव डाल रखा है, अब तेरा इरादा क्या है? अल्लाहु अकबर। इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन के नाम एक खत लिखा, कहा ए हुसैन, मुझे ये मालूम हो गया है कि तुम करबला में आ गए हो, आप करबला में तशरीफ ला चुके हैं, मुझे इत्तला है और मुझे अमीर शाम से ये हुक्म मिला है कि हुसैन को उस वक्त तक कत्ल न किया जाए जब तक हुसैन यजीद की बायत न कर ले। अल्लाहु अकबर। इमाम ने खत को पढ़ा, खत को पढ़ने के बाद जमीन पर फेंक दिया, जमीन पर फेंक दिया। कासिद इब्ने ज़ियाद ने कहा, मौला कोई हुक्म हो तो आप बयान करें ताकि मैं इब्ने ज़ियाद को जाकर बता दूं। अल्लाहु अकबर, तवज्जो चाहता हूं, ताकि मैं इब्ने ज़ियाद को हुक्म दे दूं। एक मरतबा इमाम कहते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है, बल्कि वो तो कलमे अज़ाब का मुस्तहक है। ये बात जाके इब्ने ज़ियाद को कासिद ने बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कलमात को बयान किया है। इब्ने ज़ियाद को बहुत नाराजगी हुई, बहुत गजब में आ गया। उसने पेसर साद को तलब किया। पेसर साद, तू कहाँ है? पेसर साद आया, हुक्म दिया कि तू जा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर। तारीफ बताती है कि पेसर साद ने थोड़ा सा टाल मटोल किया। उसने कहा ए अमीर कूफा, मुझे इस अम्र से तू दूर रख, मुझे इस अम्र में नहीं पड़ना है। एक मरतबा इब्ने ज़ियाद कहता है कि तो तू रय का जो परवाना तुझे लिख के दिया गया है, एक रय एक बहुत बड़ी जगह है, हुकूमत का एक जो परवाना लिख के दिया गया है उसे तू वापस कर दे। इब्ने ज़ियाद पे सर साथ कहता है कि मुझे चंद लम्हों की मोहलत दिया जाए। लिहाजा इब्ने ज़ियाद ने चंद लम्हों की मोहलत दिया। पेसर साद घर पे आया, जब घर पे आया तो कबीले वालों ने कहा कि तेरी अक्ल को क्या हो गया है, तो हुसैन को कत्ल करेगा। एक मतलब पेसर साद कहता है रय की हुकूमत मेरी ख्वाहिश थी, मैं उसे छोड़ दूँ, मैं हुसैन को ज़रूर कत्ल करूँगा। अल्लाहु अकबर। ये इब्ने ज़ियाद की खिदमत में आया, उसने कहा कि मैं हुसैन को कत्ल करने के लिए राजी हूँ। लिहाजा तारीख बताती है कि 4,000 लश्कर के हमरा वो तीन मुहर्रम को करबला पहुँच गया। 4,000 लश्कर के हमरा। उसके बाद 4 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद कूफा में मुनादी कर दिया कि जितने अहले कूफा हैं वो मस्जिद में आ जाए, इब्ने ज़ियाद खुतबा देगा। लिहाजा सारे कूफी जो है मस्जिद में आ गए। इब्ने ज़ियाद मिंबर पे गया, उसने कहा कि तुम्हारा अमीर तुम्हें कितना चाहता है। देखिए धोखा है, उसने खजाने के मुंह को खोल दिया, कितना तुम्हें खजाना चाहिए हुसैन के कत्ल के लिए, जितना तुम्हें दौलत चाहिए तुम दौलत ले सकते हो, लेकिन हुसैन के कत्ल में राजी हो जाओ और हुसैन के कत्ल के लिए करबला रवाना हो जाओ। लिहाजा तारीख बताती है कि शिमर मलून 4,000 लश्कर को लेकर तैयार हो गए और वो 4 मुहर्रम को करबला पहुंच गया। अल्लाहु अकबर। और शब्स बिन रबई, तारीख बताता शब्स बिन रबई जो है ये इसने बहाना करके बीमारी का वो अपने घर चला गया। 5 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद ने शब्स बिन रबई के यहाँ कासिद भेजा और ये कहा कि तुम्हें अमीर कूफा ने याद किया है, ए शब्स बिन रबई, क्या तुम उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जिनके लिए खुदा ने फरमाया है कि जब वो मोमिनों के दरमियान होते हैं तो कहते हैं हम मोमिन हैं, और जब वो शैतान भाइयों के दरमियान में होते हैं कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, लिहाजा अगर अमीर शाम की तुम इताअत करते हो तो मेरे पास आ जाओ। तारीख बताती है कि शब्स बिन रबई रात की तारीकी में इब्ने ज़ियाद के पास आया। इब्ने ज़ियाद ने अपने पास बिठाया, बिठाने के बाद कहता है तुम्हें करबला जाना चाहिए। शब्स बिन रबई के बहुत बड़े हालात हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता,
कि हर दौर में ये रहा है। लिहाजा ये कत्ले हुसैन के लिए राजी हो गया, चंद फौज के हमराह ये करबला के लिए रवाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फौजें इकट्ठा होने लगी। 6 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद ने पेशरे साद को खत लिखा कि तेरे लिए करबला में 30,000 फौज को हमवार कर दिया, अब तेरा बहाना कत्ले हुसैन के लिए नहीं चलेगा, तो हुसैन को कत्ल कर दे। 6 मुहर्रम को शिद्दत से हुक्म दिया गया कि हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लीजिए 7 मुहर्रम आ गई। 7 मुहर्रम को नहरे फरात पर पहरा सख्त कर दिया गया। 500 या 5,000 फौजें मुअय्यन की गई नहरे फरात पर ताकि हुसैन कयाम हुसैनी तक एक कतरा भी पानी न पहुंचे। 7 मुहर्रम से आका हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। आवाज अलताश अलताश बुलंद होने लगी। अल्लाहु अकबर। लीजिए 9 मुहर्रम आ गई। अल्लाहु अकबर। जब 9 मुहर्रम आई है तो सुहर के बाद इमाम जो है खैमे के दर पर कुर्सी पर सर झुकाए बैठे हुए थे। अल्लाहु अकबर। ये आज की तारीख, कयामत की तारीख है अजीजों। इमाम सर झुकाए हुए बैठे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा ज़ैनब ने शाना हिलाया, ए भैया फौजे कयामे हुसैनी की तरफ बढ़ रही है। ऐसा लगता है फौजे खयाम हुसैनी पर हमला करना चाहती है। अल्लाहु अकबर। अजरकम अल्लाह इल्लल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा इमाम ने आवाज दी, ए भैया अब्बास तुम कहां हो, ए मेरे लाल अली अकबर कहां हो। अरे जैसे हुसैन की आवाज को सुना, अली अकबर अब्बास सामने आकर खड़े हो गए। मौला फरमाए, एक मर्तबा इमाम ने कहा, जाओ देखो फौजें खयाम हुसैनी की तरफ बढ़ रही है, क्या माजरा है। अल्लाहु अकबर। अब्बास आगे बढ़े, मुस्लिम ने और सजा, हबीब इब्ने मजाहिर आगे बढ़े। जब अब्बास आगे बढ़े तो क्या देखा कि फौजें खयाम की तरफ बढ़ रही है। एक मर्तबा अब्बास ने गैबत में कहा, जहां हो वहां ठहर जाओ। अरे अब्बास की हैबत थी कि जहां फौजें थी वहां ठहर गई। एक मर्तबा अब्बास ने कहा कि तुम लोग कयाम की तरफ क्यों बढ़ रहे हो। एक मर्तबा फौजे अश्किया ने कहा, हमें हुक्म मिला है कि हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा अब्बास ने कहा, जहां पर है वहां पर रुके रहो, जब तक मेरे आका की मंशा मालूम न हो जाए उस वक्त तक कदम को आगे न बढ़ाना। अल्लाहु अकबर। अब्बास इमाम की खिदमत में आए। आने के बाद कहते हैं, ए मेरे आका, फौजे अशिया की कत्ल के लिए आगे बढ़ रही है। एक मर्तबा मजलूम इमाम ने कहा, ए भैया जाके उन लोगों से एक रात की मोहलत ले लो। अल्लाह अकबर। अब्बास ने कैसे मोहलत ली होगी। अब्बास आके कहते हैं, मेरे आका ने एक रात की मोहलत मांगी है ताकि अपने खुदा की ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सके। अल्लाह अकबर। पेशरे साद ने एक रात की मोहलत को मंजूर किया। अल्लाह अकबर। शबे आशूर आ गई, कयामत की शब है। इमाम मुसल्ले इबादत पर है, इधर फौजे अश्किया में हुर बेचैन है, परेशान है। कयाम हुसैनी की तरफ रुक करके हुरजात सारो कतार गिरिया कर रहा है। एक मर्तबा हुर का बेटा पुष्ट पर आकर कहता है, ए मेरे बाबा, अगर कोई कहता अरब में सबसे शुजा कौन है तो मैं आपका नाम लेता। ए बाबा, ये मैं क्या कैफियत देख रहा हूँ। एक मर्तबा मेरे लाल आली, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, क्या तुम देख और सुन रहे हो। एक मर्तबा हुर के बेटे अली ने कहा, ए बाबा, खयाम हुसैनी से
या तो बच्चों के सिसकने की आवाज आती है, बच्चों के अलादाश अलादाश हाय प्यास की आवाज आ रही है। अल्लाहु अकबर अजर कमल अल्लाह खैर अल जज़ा। लीजिए शबे आशूर की निसरात गुजरी, अब ज़ैनब बेचैन है, मेरा माँ जाया नजर नहीं आता, मेरा भैया हुसैन नजर नहीं आ रहा है। अल्लाहु अकबर। ज़ैनब हुसैन की तलाश में निकली तो क्या देखा, अब्बास के खैमे से आवाज बुलंद हो रही है। एक मतलब ज़ैनब ने खैमे का रुख किया तो क्या देखा, अब्बास दो जानों पे बैठे हुए हैं। ओ अली अकबर कासिम चारों तरफ बैठे हुए हैं, अब्बास समझा रहे हैं, ए मेरे भाइयों ए मेरे भतीजो, देखो कल सब अपने आका हुसैन पर कुर्बान करेंगे, ऐसा ना हो कि असलाम अंसार हमसे पहले आका पर कुर्बान हो जाए, बाद में लोग कहेंगे ये आका सादे मौत से बचने के लिए अल्लाहु अकबर। ज़ैनब का दिल फराया, चंद कदम आगे बढ़ी थी तो ज़ैनब ने क्या देखा, हबीब इब्ने मज़ाहिर दो जानू बैठे हुए हैं, असाबो अंसार चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हबीब कहते हैं, ए मेरे साथियों कल इम्तिहान का दिन है, कल आका पे अपने को कुर्बान करना है, ऐसा ना हो कि आका सादे सबसे सारा माजरा बताया। अल्लाहु अकबर अजर कमल अल्लाह खैर अल जज़ा। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए भैया एक बात आपको बताना है। हुसैन कहते हैं, ए मेरी बहना वो बात क्या है। ज़ैनब ने कहा, ए भैया जब हम मदीने से निकले थे तो मेरा दिल बेचैन था, इस तरह भी कह दिया कि मैंने आपसे नहीं बताया कि मेरा भैया परेशान हो जाएगा। ए भैया जब हमने मक्का को छोड़ा है तो मेरा दिल बेचैन था, मेरा दिल बेकरार था, मैंने आपसे नहीं बताया कि मेरा भैया परेशान हो जाएगा। ए भैया जब मैं करबला में आ गई तो मेरा दिल बेचैन था, मैंने आपसे नहीं बताया कि मेरा भैया बेकरार हो जाएगा, मेरा भैया परेशान हो जाएगा। ए मेरे भैया अरे जब से मैं करबला आई से मुझसे किसी बीवी के रोने की आवाज आती है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए भैया तुमने नहीं पहचाना, अरे अल्लाह फातिमा जो मदीने से सामने के साथ करबला तक आ गई, ए मेरी बहन ज़ैनब वो मेरी माँ फातिमा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही तो तस्लीम अंदामरे माल हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। Ah
زینب شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے زمین چپ ہے فلک سہما ہوا ہے دل زینب پریشان ہو رہا ہے زمین چپ ہے فلک سہما ہوا ہے دل زینب پریشان ہو رہا ہے گھٹا ظلم و ستم کی چھا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے جدھر دیکھو نظر آتا ہے لشکر عجب خرحال ہے صحرا کا منظر جدھر دیکھو نظر آتا ہے لشکر عجب پرحال ہے صحرا کا منظر یزیدی فوج سمٹی آ رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے کبھی آنو محمد کو بلایا کبھی سینے سے اکبر کو لگایا کبھی آنو محمد کو بلایا کبھی سینے سے اکبر کو لگایا کبھی عباس کو سمجھا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شہ والا کو خیمے میں بلا کر بہن کہنے لگی آنسو بہا کر شہ والا کو خیمے میں بلا کر بہن کہنے لگی آنسو بہا کر ہمیں صورت اجل دکھلا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے رسول پاک کی مسند بچھا کر علی اکبر کو پہلو میں بٹھا کر رسول پاک کی مسند بچھا کر علی اکبر کو پہلو میں بٹھا کر سکون قلب زینب پا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے کبھی سوتی ہے سینے پر سکینہ کبھی روتی ہے گھٹ گھٹ کر سکینہ کبھی سوتی ہے سینے پر سکینہ کبھی روتی ہے گھٹ گھٹ کر سکینہ کبھی بابا سے کچھ بتلا رہی ہے
शब आशूर ढलती जा रही है, शब आशूर ढलती जा रही है। हैदर 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 हैदर